हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विघ्नहर्ष की। आज है 4 फरवरी 2020। डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट, वन लाइनर न्यूज़ रहेगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी और स्टेट एक रहेगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके रहेगी। एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे। वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव है। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप अगर आत्मविश्वास रखेंगे तो आपके लिए जो चीज़ें कठिन हैं वह भी सरल होती नज़र आने लगेंगी। इसलिए खुद पर विश्वास रखना अति आवश्यक हो जाता है। ओके, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वन लाइनर न्यूज़ देखते हैं क्या रहेंगी। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी 2020 को मनाया गया, इसकी थीम क्या रही है। तो इसकी थीम रही थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो आप एक और लिखेंगे 2 फरवरी और वहाँ लिख देंगे डे क्या मनाया गया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसकी थीम रही थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट न्यूज़ जो रहेगी रक्षा से रहेगी। वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए केंद्रीय बजट में कुल परिव्यय की परिकल्पना रही है वह कितनी रही है। तो वह रही है 30,42,230 करोड़ रुपए। परिकल्पना जो रही है इतनी रही है कुल बजट की। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट में रक्षा पेंशन को छोड़कर आवंटित की गई राशि कितनी है। तो वो है 3,37,553 करोड़ रुपए और रक्षा पेंशन के लिए 1,33,825 करोड़ रुपए जो है आवंटित राशि है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को देख लेते हैं कि 5 से 9 फरवरी 2020 के कालावधि में होने वाले भारत अफ्रीका रक्षा परिषद का आयोजन स्थल क्या है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत अफ्रीका रक्षा परिषद का आयोजन होगा 5 से 9 फरवरी तक, मतलब कि कल से। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद अल्लावी और इराक की कैपिटल होती है तेहरान। ईरान की कैपिटल होती है तेहरान। नेक्स्ट न्यूज जो रहेगी राष्ट्रीय न्यूज रहेगी, 1 फरवरी 2020 को किस शहर में 21वें काला घोड़ा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो मुंबई में। मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की कैपिटल है और मुंबई के सीएम है उद्धव ठाकरे जी। और इन्होंने संविधान की जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसे हर विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय के तहत एक डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के साथ किस संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो उत्तर इसका रहेगा भारतीय विरासत एवं संवर्धन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने किस योजना की घोषणा की जिससे छोटे निर्यातकों के लिए बढ़ा हुआ बीमा प्रदान किया जाए और प्रीमियम कम लिया जाए। तो निर्विक नामक योजना इन्होंने लॉन्च की है जिसका नाम है निर्यात ऋण विकास योजना। ओके, व्यक्ति विशेष से न्यूज़ देख लेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल CVITC के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो एम अजीत कुमार को नियुक्त किया गया। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसे आप स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं। तो गोपाल बागले जी जो हैं भारत के अगले उच्चायुक्त श्रीलंका में बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजल्स में पैशन विस्टा संस्थान द्वारा स्थापित विश्व शांति दूत पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं। तो विश्व शांति दूत के पुरस्कार के विजेता जो बने हैं वो बने हैं श्री सैनी और ये मिस वर्ल्ड हैं, अमेरिका की हैं, वॉशिंगटन DC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम में दिए गए पहले मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है। तो ये पुरस्कार दिया गया हिंदी कवि उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ला को। इनकी पुस्तक थी ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है ब्लू इज लाइक ब्लू किन की पुस्तक है, किन का उपन्यास है। तो वो है विनोद कुमार शुक्ला जी का। इन्हें कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। तिरुवनंतपुरम में ये पुरस्कार दिया गया है, ये तिरुवनंतपुरम में दिए गए पहले मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम क्या है, केरल की
कैपिटल है। केरल के पीएम जो सीएम है उनका नाम है पिनाराय विजयन। तो ये भी आपके लिए, आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है, पेरियार जो नदी है वो भी आपकी केरल में मिल जाएगी। पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार डैम है, सबसे पुराना डैम है वो। और इराविकुलम नेशनल पार्क, ये जो है वो भी आपको, पेरियार नेशनल पार्क, ये सब आपको केरल के अंदर मिल जाएंगे। केरल का जो नृत्य होता है वो होता है कथकली, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट डांस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिनेता कौन है जिन्होंने 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जीता है? तो वहीदा रहमान ने राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जीत लिया है 2018 के लिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये दिया गया है। ओके, खेल से संबंधित न्यूज देख लेंगे। गोवा में खेले जाने वाले 2020 राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या रहा है? तो शुभंकर रहा है रूवी गुला, ये फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल होती है और ये यहाँ का शुभंकर रहा है। अब गोवा में खेला गया है, तो गोवा है कि कैपिटल होती है पणजी। ठीक है, गोवा में दो रिवर हैं, एक तो मांडवी, एक जौरी रिवर है। गोवा लिबरेशन डे हम 31 दिसंबर को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में खेले गए 81वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल प्रतियोगिता के विजेता कौन हुए हैं? तो वो हरमीत देसाई। अब हैदराबाद की बात हो रही है, तो हैदराबाद में एक क्वेश्चन बन जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद में ही आपको चार मीनार जो है वो हैदराबाद में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हैदराबाद दो राज्यों की कैपिटल भी है अभी, तो एक तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और दूसरी है आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद, जो कि उसके आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल्स हो गई हैं, उसमें से एक कैपिटल जो है विशाखापट्टनम है और दूसरी जो है कुरनूल है, और जो प्रस्तावित कैपिटल है 2024 में हो जाएगी वो है अमरावती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81वीं राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस में महिला एकल प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो वो बनी है सुतीर्थ मुखर्जी थी। तो जो सुतीर्थ मुखर्जी है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, सुतीर्थ मुखर्जी किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल टेनिस प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन बने हैं? तो ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच, लगातार दूसरी जीत उन्होंने, कुल 17वीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है, और सर्बिया की कैपिटल होती है बेलग्रेड और यहाँ की करेंसी होती है दिनार। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस भारतीय को 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारतीय दल का सद्भावना दूत बनने के लिए आमंत्रित किया है, जो 24 जुलाई से 9 अगस्त तक आयोजित होगा? तो ये है सौरभ गांगुली को इन्होंने आमंत्रित किया है, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि अभी ये करंट में ही इन्हें नियुक्त किया गया है दिसंबर माह में 2019 में, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, तो टोक्यो क्या है? जापान की कैपिटल है। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। यहाँ की करेंसी होती है येन। जापान से क्वेश्चन और बन जाता है, जापान की जो संसद है उसका नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम होता है डाइट। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ज्ञान विज्ञान से रहेगा, वह कौन सा देश है जो जफर मतलब कि फारसी में विजय नामक नया वैज्ञानिक अवलोकन उपग्रह सिमोर्ग प्रक्षेपक द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ने की तैयारी कर रहा है? तो ईरान, ईरान जो है वो तेहरान, और इराक की कैपिटल होती है बगदाद। ओके, सामान्य ज्ञान अब वो रहेगा, जो जो भी क्वेश्चंस रहे हैं उससे संबंधित सामान्य ज्ञान रहेगी। गोवा का राज्य पक्षी भी है रूवी गुला, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ठीक है, और इसे शुभंकर भी बनाया गया है। और आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता मतलब रामसर कन्वेंशन जब स्वीकार हुए था, तो 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन का समझौता हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1924 में हुई, स्थान रहा था दिल्ली। ओलंपिक गेम्स को हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, 4 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों के साथ
हर 4 साल में, लेकिन दोनों में दो दो साल का अंतर होते हुए ये ओलंपिक गेम्स जो हैं आयोजित किए जाते हैं। ओके, ग्रैंड स्लैम टेनिस, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है मध्य जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन जो होता है मई जून में होता है, विंबलडन होता है वो जून जुलाई में होता है, और US ओपन जो होता है अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड में है, और संस्थापक इसके थे बैरन पियरे डी कोवर्टन, जो कि कौन थे, फ्रांसीसी थे। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित पहला आधुनिक ओलंपिक खेल था, तो वो 1896 में एथेंस में आधुनिक तौर पर इस ओलंपिक आयोजित किया गया था एथेंस में। ओके, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस और वहाँ की करेंसी होती है यूरो। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमें यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, और अगर आप हेलो टिकटॉक ऐप यूज करते हैं आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट और डेली मोशन अगर आप यूज करते हैं तो अब वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से मिल जाएगा। ओके, और आपको टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी क्लासेस होती हैं सभी PDF वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे और वहाँ से आप अपने नोट्स अरेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की, तो पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है, ये न्यूज़ हमने कल आपको ऑनलाइन में फॉर्म की हुई थी। तो पाकिस्तान दशकों में सबसे खराब टिड्डी हमले का सामना कर रहा है, इसने कृषि उत्पादन के लिए देश के मध्य क्षेत्र पंजाब मात्र में बड़े पैमाने पर फसलों को नष्ट करने वाले कीड़ों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। सिंधु और पंजाब पर हमला करने के बाद पहली बार टिड्डों के झुंड खैबर पख्तूनख्वा में प्रवेश कर गए थे। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है कि किस देश ने टिड्डों के हमले से बचने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, तो पाकिस्तान देश ने। पाकिस्तान में सियालकोट में 1000 वर्ष पुराना एक मंदिर खोला गया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान का जो शुगर केन जूस होता है, जो गन्ने का रस होता है, वो वहाँ का पेय पदार्थ है, राष्ट्रीय पेय पदार्थ है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यदा यदा वायरस, तो ऑस्ट्रेलिया मच्छरों में एक नए वायरस का पता चला था। अमेरिकी सिटकॉम सीन फील्ड द्वारा किए गए कैच फ्रेज के बाद इसे अस्थायी रूप से यदा यदा वायरस के नाम दिया गया है। नए वायरस मनुष्यों में कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में बड़ी संख्या में मच्छरों से शाही सेना को निकाला, जहां उन्हें एक नया अल्फा वायरस मिला जो एक ऐसे समूह से संबंधित थे, चिकनगुनिया वायरस और ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस जैसे अन्य अल्फा वायरस शामिल हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक मच्छर के द्वारा एक वायरस का पता चलाया उन्हें, उसका नाम इन्होंने रखा है यदा यदा वायरस। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही याद रखिए, यदा यदा वायरस किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, तो मच्छर में ये पाया गया है एक, और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट जो हैं उनके द्वारा इसे खोजा गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनवरा और यहाँ की करेंसी होती है डॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोहम्मद मल्लावी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति बेरहम सलीह द्वारा पूर्व संचार मंत्री मोहम्मद तौकीफ अल्लावी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 4 महीने के विरोध के बाद इराक को नया प्रधानमंत्री मिला। इराक को लगातार 16 वर्षों तक दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकारों में स्थान दिया गया है। ओके, तो अब आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है, मोहम्मद अल्लावी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी से आम जनता के लिए खुल जाएगा मुगल गार्डन। तो रंग बिरंगे फूलों से सजा मुगल गार्डन हर साल की तरह इस साल भी खुलने जा रहा है। श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में 4 फरवरी को उद्यानोत्सव का शुभारंभ करेंगे, वहीं 5 फरवरी से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि 4 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्यान उत्सव की शुरुआत करेंगे, वहीं आप 5 फरवरी से इसका दीदार कर सकेंगे। अब ये जो मुगल गार्डन है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका इनॉग्रेशन जो किया जाएगा वो श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया जाएगा, आज से ही किया जाएगा क्योंकि आज ही 4 फरवरी है,
और कल से मुगल गार्डन का सभी लोग दीदार कर सकेंगे, मतलब देख सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगी वो स्पेशल नॉलेज रहेगी। स्पेशल नॉलेज से हम आज डिस्कस करेंगे नीति आयोग को। नीति आयोग के बारे में आप सभी को पता भी होगा, पर नीति आयोग के बारे में आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन करना अति अनिवार्य हो जाता है। नीति आयोग में आप NITI लिखते हैं नीति, तो इसकी फुल फॉर्म पता होना अति आवश्यक। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग की जगह प्लानिंग कमीशन को रिप्लेसमेंट करके ही नीति आयोग का गठन हुआ था। अधिकार क्षेत्र क्या है, तो ये आती है भारत सरकार के अंतर्गत, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्यपालक जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, मतलब कि जो अध्यक्ष होते हैं या चेयरपर्सन वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। MD & CEO अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, ये सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है, उसे निर्देश और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर यही है कि इससे केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक 25 नीतिक्रम क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी को बदल दिया है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो नीति आयोग है वो संविधान नेतर निकाय है। ओके, अब बात करेंगे स्टेट की, तो आज स्टेट पे हम तेलंगाना स्टेट को डिस्कस करेंगे। तेलंगाना की जो कैपिटल होती है वो होती है हैदराबाद, और सबसे बड़ा शहर जो है वो भी है हैदराबाद। जिले हैं 33 और राजभाषा यहाँ की तेलुगु और उर्दू है। गठन 2 जून 2014 को हुआ था। राज्यपाल तमिलसाई सौंदर राजन जी हैं वर्तमान में, और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानमंडल यहाँ की 2 सदनीय है। विधान परिषद की सीटें जो हैं 40 हैं, और विधानसभा की जो सीटें हैं 119 हैं, और विधान जो भारतीय संसद राज्यसभा है, राज्यसभा की सीटें 7 हैं, और लोकसभा की सीटें जो हैं 17 हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, और लोकसभा की 17 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था, पर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है हमारा जम्मू कश्मीर, तो ये 28वां राज्य हो गया। ओके, हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया जाएगा। यह परतंत्र भारत के हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से बना है। अब तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि, इसीलिए इसका नाम रखा गया है तेलंगाना। ओके, तो अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में हम जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में जानेंगे, वहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं। तो डल झील, बुलर झील, वेरीनाग, मानसबल, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग जो झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएंगी। जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, बुरजिल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बारामूला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर की 3 परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सलाला परियोजना जो चिनाब नदी पर स्थित है, तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर अवस्थित है, दुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर अवस्थित है। जम्मू कश्मीर के वन्यजीव अभयारण्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आता है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें तेंदुआ, भालू, हिरण का संरक्षण किया जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है, और इसमें हिरण, याक और गधा का जो है संरक्षण किया जाता है। तो अब बात कर लेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सवाना घास का मैदान कहाँ अवस्थित है, तो वो है अफ्रीका में। किरोसियो की धारा किस प्रकार की धारा है, तो ये गर्म धारा है। चिनूक जो कि गर्म हवा होती है किस देश में बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ये हवा जो है बहती है। शू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका की नहर है, ये किन किन झीलों को जोड़ती है, ये सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। ओके, एटना जो कि इटली में अवस्थित है किस प्रकार की ज्वालामुखी है, तो ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। मलक्का जलसंधि किस किस को जोड़ती है, तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जलसंधि जो है वो जोड़ देती है। लोहा उत्पादक के देश के नाम कौन कौन से हैं, तो लोहा जो उत्पादन करते हैं उसमें यूक्रेन फर्स्ट नंबर पे, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन और USA, ये सभी देश जो हैं लोहा के उत्पादक देश हैं। बुशमैन जनजाति से संबंधित क्षेत्र का नाम क्या है, तो वो है कालाहारी मरुस्थल जो कि साउथ अफ्रीका में है। ओके,
कालाहारी मरुस्थल कई बार क्वेश्चन में भी आता है, और ये भी क्वेश्चन आता है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर बसा हुआ है। यांग याप दर्रा किस भारत भारत के किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन और बन जाता है, भारत के अंदर सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल होती है वो होती है ईटानगर। अब ये था हमारा आज का करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आप हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आप हेलो और टिकटॉक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और शेयर चैट अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेलीमोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक पीडीएफ जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ सुटेबल रूप से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।